आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल क्लास 9। आपके यूनिट टेस्ट पूरे हो चुके हैं, अब हम आगे का सिलेबस करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का सेकंड लेसन, अर्थशास्त्र का सेकंड लेसन, जिसका नाम है संसाधन के रूप में लोग। ठीक है, अब सबसे पहले ये जानेंगे कि संसाधन क्या होता है, संसाधन के रूप में लोग क्या होता है। यानी कि संसाधन वो चीज़ें होती हैं जैसे कि कुछ प्राकृतिक होती हैं और जिनको मानव जो है उनको परिवर्तन करता है, अपनी मेहनत से परिवर्तन करता है। जैसे कि आप नदियां हैं, पहाड़ हैं, समुद्र है, ये सब क्या है, ये प्राकृतिक संसाधन है। परंतु जैसे ही मनुष्य इनमें इनको परिवर्तन करके अपने यूज़ में ले जाता है, वो मानव संसाधन बन जाता है। अब मानव संसाधन होता क्या है, मानव संसाधन होता है कि जब मनुष्य की शिक्षा, ठीक है, और स्वास्थ्य द्वारा अधिक उसको विकसित किया जाता है तो मानव पूंजी निर्माण बन जाती है। यानी कि जो मानव की जो शिक्षा है और स्वास्थ्य को ज़्यादा कर विकसित किया जाता है तो मानव पूंजी निर्माण बन जाती है। ठीक है, इस तरह से ये है कि जब इसमें ये पढ़ेंगे कि मानव पूंजी निवेश में ये होता है कि भाई भौतिक पूंजी को ही प्रतिफल प्रदान करते हैं। ठीक है, कि जैसे शिक्षा, परीक्षण और स्वास्थ्य सेवाओं के द्वारा उसको परिवर्तित किया जाता है तो मानव पूंजी निर्माण बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर 2-3 एग्जांपल्स देके आपको समझाया गया है कि किस तरह से जो मानव की जो मेहनत होती है वो किस तरह से मानव पूंजी में निर्मित हो जाती है। उस तरह से जैसे कि यहाँ पर दो एग्जांपल्स दिए गए हैं। जैसे यहाँ पहले पिक्चर देखिए, ये सब क्या है, यहाँ पर ये डॉक्टर्स का दिखाया गया है, ये यहाँ पर टीचर्स वगैरह, टेलर्स वगैरह का दिया जाए, ये क्या है, मानव पूंजी है, क्योंकि इनकी जो शिक्षा है, मानव की जो शिक्षा है उसमें परिवर्तित हो गया तो ये मानव पूंजी बन गई है। भाई इससे पूंजी प्राप्त करना यानी कि अपने कार्य द्वारा पूंजी को प्राप्त करना वो मानव पूंजी बन जाता है। वो चाहे नए होने से केवल शिक्षित और अधिक स्वस्थ लोग ही लाभ होता है। दूसरा होता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति, जहाँ की जिस देश की जनसंख्या स्वस्थ होगी वहाँ लोगों को अधिक लाभ पहुँचेगा। तो इसलिए किसी भी देश के पूंजी को बढ़ाने के लिए उस देश के नागरिकों का शिक्षित होना, उस देश के नागरिकों का स्वस्थ होना बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि किसी भी देश की पूंजी को बढ़ाने के लिए ये दो चीज़ें ज़्यादा आवश्यक हैं। तो पहले एग्जांपल यहाँ पर एक सकल और दूसरा बच्चा है बिलास। जो सकल और बिलास हैं दोनों ही एक गांव के रहने वाले हैं, सेमापुर गांव के। जो सकल के जो माता सीला है वो कामकाज करती है, पिता जो खेतों में काम करते हैं, उनका एक चाचा है जो कि मैट्रिक पास है परंतु बेकार है। तो सकल की जो माँ है वो उसको पढ़ाना चाहती है तो अपने बच्चों को आगे पढ़ाते हैं, उसके कंप्यूटर ला देते हैं, वो उच्चतर माध्यमिक परीक्षा पास करते हैं, उसके बाद उसकी पढ़ाई जारी रखते हैं। बाद में वो कंप्यूटर का एक कोर्स कर लेता है और बाद में उसे एक कंपनी में जॉब मिल जाती है। उसके कार्य के लिए सॉफ्टवेयर की डिज़ाइन की भी करता है, इसलिए उसके कार्य के लिए उसका जो बॉस होता है उसके कार्य के लिए उसे पदोन्नति प्राप्त कर देता है। तो ये तो रही सकल की कहानी। दूसरी आपको दिखाई देती है बिलास की कहानी, जो उसी के उम्र का बच्चा है, परंतु ये क्या होता है कि सकल के गाँव में ही रहता है। बिलास के जो पिता एक मछुआरे हैं, ठीक है, जब बिलास 2 वर्ष का था तो उसकी पिता की मृत्यु हो गई, तो जो उसकी माँ है वो मछलियाँ बेचकर उसके क्या करती हैं, पालन पोषण करती है। तो यहाँ इन दोनों बच्चों के उसमें जीवन शैली में अलग अंतर है। वहाँ शकल जो है पढ़ाई करने के कारण क्या होता है, कंप्यूटर इंजीनियर बन जाता है, परंतु जो बिलास है वो क्या होता है कि पढ़ नहीं पाता और इसलिए उसको भी जॉब नहीं मिलती। दूसरा मैंने बताया था स्वास्थ्य कि पूंजी के लिए स्वास्थ्य का होना जरूरी है। यहाँ पर जो बिलास है उसको एक गठिया रोग है, परंतु उसकी माँ के पास इतना पैसा नहीं है कि उसके रोग का इलाज करा सके, इसलिए वो स्वस्थ भी नहीं है, इसलिए ये मानव पूंजी में नहीं है। तो इन दोनों बच्चों के जीवन शैली में डिफरेंस था कि सकल जो है सारे रूप से हष्टपुष्ट है, स्वस्थ है, और जो बिलास है वो एक गठिया रोगी है, पढ़ा लिखा भी नहीं है। सकल ने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की, कंप्यूटर में डिग्री प्राप्त की है, उसे एक प्राइवेट नौकरी मिल जाती है, जबकि बिलास वही काम करता है अपनी माँ के साथ ही। तो दोनों में ये अंतर है। तो इस तरह से देखा जाए कि किसी भी देश के उसके लिए क्या ज़रूरी है, स्वास्थ्य और शिक्षा। अब जैसे जापान जैसा देश है, जापान जैसे देश ने इतने क्यों विकसित हुआ है इतना ज़्यादा, क्योंकि जापान जैसे देश के पास अपने प्राकृतिक संसाधन नहीं है, फिर भी वो एक विकसित और धनी देश क्यों है, क्योंकि जो जापान है उसने अपने प्राकृतिक संसाधनों का ऐद किया कि उसने अपने लोगों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान दिया।
जिससे वो क्या हुआ, लोगों की भूमि और पूंजी जैसे अन्य संसाधनों का उपयोग किया और वो देश जो है क्या बन गया, प्रौद्योगिक रूप से विकसित बन गया, क्योंकि उन देशों ने उस पर ध्यान नहीं दिया कि जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर ध्यान नहीं दिया, उन जापान जैसे देश ने अपने देश की शिक्षा और उनके लोगों के स्वास्थ्य की तरफ दिया, जो कि आज एक बहुत बड़ा एक प्रौद्योगिक के क्षेत्र में बहुत बड़ा देश है। तो इस तरह से देखा गया इन दो पैरों में आपने देखा कि एक देश की मानव पूंजी को बढ़ाने के लिए दो चीज़ों का होना बहुत आवश्यक है, उस शिक्षा। अब आगे देखेंगे कि जो मनुष्य के जो प्राथमिक क्रियाकलाप हैं उनको तीन भागों में बांटा गया है। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। कि प्राथमिक में क्या आता है, प्राथमिक में ये आता है कि जैसे मनुष्य का पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और हरण होता है, ये किस क्षेत्र में रखे गए हैं, प्रथम क्षेत्र में रखे गए हैं। द्वितीय क्षेत्र में आते हैं आपके विनिर्माण शामिल, जो कि और कोई जो कार्य होते हैं। और तीसरे क्षेत्र में आते हैं आपके जैसे बैंकिंग है, शिक्षा है, पर्यटन सेवा आदि शामिल होते हैं। तो इसलिए ये क्या है, मनुष्य के तीन भागों में इसको बांटा गया है, ठीक है, क्रियाकलाप को तीन भागों में बांटा गया। अब ये क्रिया आर्थिक क्रिया कैसे बनती है, ये क्रियाएं जब क्रियाओं का वेतन या उद्देश्य से की गई होती है तो उसका लाभ मिलता है। तो आज आपने इतना ही पढ़ा कि यहाँ पर यह देखा कि मानव पूंजी क्या है, उसमें दो एग्जांपल है। आगे नेक्स्ट क्लास में आगे लेसन करेंगे कि भाई शिक्षा क्या है, एक उसके देश के उसके प्रचार के लिए शिक्षा का क्या महत्व है।